की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम पावर बीआई में बात करने जा रहे हैं रिलेशनशिप के बारे में। आज पढ़ाएंगे आपको कि दो सीट्स के बीच में किस तरह से रिलेशनशिप हम लेते हैं। सबसे पहले हम डेटा को लोड करते हैं। अब एक साथ ये भी जानिए कि एक साथ दो डेटा कैसे लोड होते हैं। जैसे कि हमने एक फाइल लिया, इसमें दो शीट्स हैं, अब मुझे यहाँ पे दोनों शीट का डेटा लोड करना है, क्योंकि जब तक हम लोड नहीं करेंगे तब तक उसको रिलेट कैसे करेंगे। जैसे यहाँ पे सिटी है तो हमने सिटी को सिलेक्ट कर लिया और साथ में हमने डेटा को सिलेक्ट कर लिया, राइट। तो हाँ देखिए, डेटा में क्या है, नेम है, सिटी को सिटी कोड, सिटी कोड है, अमाउंट है, और सिटी में क्या है, सिटी कोड है, नेम है एंड जोन है, राइट। फिर यहाँ से लोड कर दिया। लोड हो गया। अब मैं अगर रिपोर्ट की बात करूं, अगर लोड हो रहा है, पता नहीं कब टाइम ले रहा है। अच्छा, रिलेशनशिप को डेटिंग रिलेशनशिप, तो आप जाके देखेंगे कि इन्होंने खुद ब खुद यहाँ पे खुद ब खुद उन्होंने इसमें रिलेशनशिप कर दिया है, ठीक है आपको सर, कोड एंड कोड। अब यहाँ पे अगर उसने गलत रिलेट किया है तो आप इसको सही कर सकते हैं। बस कैसे सही करना, एक बार मैं इसको सिलेक्ट करके रिलेशन को डिलीट कर देता हूँ, डिलीट रिलेशनशिप, राइट, रीड हो गया सर। अब मुझे रिलेट करना है तो रिलेट करने कुछ नहीं करना है, तो मेन डेटा आपका ना, जो मेरा डेटा मेन है, अब इसमें से सिटी कोड को उठाइए और इसके सिटी कोड के ऊपर छोड़ दीजिए, ये आपका रिलेट हो जाएगा। और क्लिक करके देख लीजिए रिलेशन सही हुआ ना, तो हाईलाइट बता देगा। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ रिलेशनशिप का, आप देख लीजिए। जैसे कि हम डेटा में आते हैं, डेटा में मैंने यहाँ पे नेम को लिया और हमने यहाँ पे अमाउंट को ले लिया, राइट। तो यहाँ अब मुझे इसमें सिटी वाइज भी डेटा चाहिए, बट प्रॉब्लम क्या है कि सिटी वाइज डेटा लेने में प्रॉब्लम क्या है कि सिटी का जो डेटा है इसमें सिर्फ कोड है, इसमें सिर्फ कोड है, तो हम यहाँ सिटी वाले इससे लेंगे और यहाँ पे हम सिटी का नेम रख देते हैं। आ गया सर। और इसको अगर मैं इसमें कर दूँ, मैट्रिक्स में कर दूँ, तो आपके सामने आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे जो है दो तरह के चार्ट बना सकता हूँ, पहला दो या तीन तरह का चार्ट। जैसे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, यहां पे मैंने क्या किया, मैंने नेम वाइज सिटी वाइज सिटी नेम वाइज हमने यहां पे अपने अमाउंट का एक डेटा बना, रिपोर्ट बना लिया, राइट। उसके बाद मैं यहां पे ही लाइन चार्ट लेता हूं, लाइन चार्ट में लाइन चार्ट में मैं नेम वाइज मतलब कि पर्सन वाइज हमने अमाउंट का चार्ट बना लिया, राइट सर। फिर हम तीसरा यहाँ पे लेते हैं चार्ट, कॉम्बो चार्ट, इसमें हम देते हैं जोन वाइज अमाउंट, जोन वाइज अमाउंट डाल। तो आप दो अलग अलग शीट के ऊपर इसका डिस्कशन कर रहे हैं, राइट सर। अब एक बार मैं अपने डेटा में कुछ नया अपडेट करता हूं जी,
यहाँ हम डेटा बनाते हैं। अब जैसे कि मैंने यहाँ अपने इस डेटा में 96 नाम तो है ही, इसको कुछ नाम दे देते हैं, टॉसन से, और यहाँ पे 11 और यहाँ पे हम 35 देखें, 36 सेव कर दिया सर। हम डेटा में आते हैं, पहले डेटा में हम सिटी डेटा में आते हैं और यहाँ नेम का, तो यहाँ पे आपका 95 तक है ना सर। तो मैं एक बार होम पे आता हूँ और एक बार मैं रिफ्रेश, हाँ रिफ्रेश करता हूँ, रोशन सिंह आ गया आपको। बट आप जब यहाँ रिपोर्ट, हमने रिपोर्ट मान लीजिए यहाँ पे लगाया, तो यहाँ रोशन सिंह आपको दिख रहा है, दिख रहा है सर, बट इसमें आपको एक ब्लैंक दिख रहा है। ब्लैंक क्यों दिख रहा है, कितना अमाउंट है इसका, दिख रहा है रोशन सिंह। तो अगर आपके एक सीट में डेटा है और दूसरे सीट में डेटा नहीं, क्योंकि आपने देखा कि हमारे एक्सेल भी दिखा देता हूं कि हमारे डेटा वाले सीट में एक रोशन सिंह है और 11 नंबर सिटी है, लेकिन सिटी के अंदर में 11 नंबर यहाँ पे सिटी नहीं है ना सर, बट यहाँ पे मेरा डेटा दिख रहा है 36। बट ये चीजें एक्सेल में नहीं होती थी, यहाँ ब्लैंक शो कर दिया इसने और यहाँ भी ब्लैंक शो कर दिया, राइट सर। हेलो, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे अपने सिटी में इस डेटा को अपडेट करूंगा, 11 कर दिया और यहां पे हमने कर दिया 5 और हमने 7 ले लिया और सेव करता हूं, और डेटा हमने अपडेट किया तो पिवट में हमें रिफ्रेश करना होगा, क्या करना होगा, रिफ्रेश। जब भी रिफ्रेश कीजिएगा तो साथ में जो अपडेशन आया ना सर, ये अपडेशन आना चाहिए, अगर अपडेशन नहीं आ रहा है तो मतलब कि आपका डेटा रिफ्रेश नहीं हुआ, ठीक है। रोशन सिंह रायपुर आ गया, ठीक है, क्लियर हुआ। अब रिलेशनशिप में हम आते हैं, तो हमने जो रिले इस पे डबल क्लिक कीजिए तो रिलेशन का प्रॉपर्टी खुल के आ जाएगा। तो जो रिलेशन हुआ है ये यहाँ पे रिलेशनशिप में जो है, ये जो रिलेशंस है मैनी टू वन है, क्या है, मैनी टू वन है, एक ही रिलेशन हुआ है यहाँ पे। और भी बहुत सी बोथ है कि बोथ साइज चाहिए आपको रिलेशंस, तो बोथ साइज भी होगा। तो इसके बारे में हम आपको अगली क्लासेस में समझाएंगे कि मैनी टू मैनी, सिंगल मैनी टू वन या वन टू वन, चार होते हैं रिलेशन, मैनी टू वन, वन टू वन, वन टू मैनी, क्या होता है इसके बारे में हम आपको अगली क्लासेस में समझाएंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले आप जो है रिलेशंस को अच्छी तरीके से अपने हिसाब से कर लीजिए, ओके, क्लियर है। हाँ जी सर, तो इसको एक बार रिलेशन को, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सर, याद रखिएगा। और ये एक्सेल आगे चल के जब इसको आप ये जाएंगे ना ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो इसमें रिलेटेड जैसे बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं, क्यूरी में भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है। क्यूरी में भी इसका यूज किया जाता है।
सागर जी कोई डाउट इसमें? नहीं सर। तो आप जैसे कि पहले क्या कीजिएगा कि एक एक दो सीटों पे हमने किया है, ऐसे तीन चार पांच सीटों पे करके देखिए, ठीक है? और फिर उसके हिसाब से आप रिपोर्ट बना के देखिए सर। ओके ओके तो मिलते हैं कल सेम टाइम।